वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर कार्बन साइकिल के बारे में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, तो ये इसके स्टेप्स भी हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर अगर हम बात करें कि क्या इंपॉर्टेंस है नाइट्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो नाइट्रोजन एक इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का ये एक इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता है। एंड नाइट्रोजन एक कंपोनेंट होता है अमीनो एसिड्स का, प्रोटीन्स का, एंजाइम्स का, न्यूक्लियोटाइड्स का एंड न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये सब किससे मिलके बने होते हैं, ये सब के सब नाइट्रोजन से ही मिलके बने होते हैं। नाइट्रोजन एक इनका कंपोनेंट होता है, तो ये क्या है कि बहुत ही इसेंशियली कंस्टिट्यूएंट है प्रोटोप्लाज्म का। इसके बाद अगर हम बात करें सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं नाइट्रोजन के, तो मेनली सबसे बड़ा सोर्स यहाँ पे होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं यूज की जाती है, पहले उसको फिक्स किया जाता है, फिर उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन उसको यूज किया जाता है प्लांट्स के थ्रू। देन प्लांट्स को कंज्यूमर्स या फिर प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स जो फूड चेन होगी उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। एंड डिकम्पोजिशन होगा तो अगेन वो क्या चली जाएगी, सोइल के अंदर चली जाएगी। तो सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन के अंदर अगर हम बात करें, लाइक ऑल अदर मेजर एंड माइनर एलिमेंट, इट फ्लोज इन नेचर इन अ साइक्लिक मैनर, ठीक है। जैसे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते हैं नेचर के अंदर, वैसे ही नाइट्रोजन भी एक साइक्लिक मैनर के अंदर फ्लो करती है। नाइट्रोजन इज पिक्ड अप एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नाइट्रोजन को सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में लिया जाता है, फिर इसको ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज किया जाता है प्लांट्स एंड कुछ प्रोकैरियोट्स के थ्रू, ठीक है। कुछ प्रोकैरियोट्स एंड प्लांट्स क्या करेंगे, इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में लेंगे एंड फिर क्या कर देंगे, इसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन एज इट इज जो नाइट्रोजन है उसको नहीं लेंगे, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेंगे। दो एटमोसफियर कंटेन 78.62% ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि ये 4/5 ऑफ द एयर नाइट्रोजन ही होती है एटमॉस्फेयर के अंदर गैसियस स्टेट, येट एनिमल्स कांट यूज इट डायरेक्टली, लेकिन एनिमल्स इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स कैन यूज नाइट्रोजन आइदर इन इनऑर्गेनिक फॉर्म और इन ऑर्गेनिक फॉर्म। एनिमल्स क्या कर सकते हैं, या तो इसको ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर या तो इसको इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर ले सकते हैं। तो वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म, जैसे कि हमने देखा था प्लांट्स एंड सम प्रोकैरियोट्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म को, नाइट्रोजन के इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है ये किससे मिलके बनी हुई है, उस नाइट्रोजन से मिलके बनी होगी। तो नाइट्रोजन की जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में ये यूज करेंगे अमोनिया, नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स की फॉर्म, और जब अगर इनको ऑर्गेनिक फॉर्म में यूज करना हो तो उस टाइम पे यूरिया, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे। एंड एनिमल्स क्या करेंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म को ही यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फॉर्म जैसे कि यूरिया, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म जैसे कि अमोनिया, नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स की फॉर्म। सो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन बोथ इनऑर्गेनिक, तो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट होती है। एटमॉस्फेयर कंटेन अबाउट 3.8 × 10^12 मीट्रिक टन्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, 3.8 × 10^12 मीट्रिक टन्स ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर कंटेन करता है। सो नाइट्रोजन रिजर्वोयर इज एटमॉस्फेयर, ठीक है। नाइट्रोजन का रिजर्वोयर क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन साइकिल अनलाइक कार्बन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, कार्बन साइकिल कैसी थी, बहुत ही सिंपल टाइप थी, लेकिन नाइट्रोजन साइकिल थोड़ी सी कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ साइकिल है। एंड ये भी कैसी है, परफेक्ट साइकिल है। कार्बन साइकिल भी एक परफेक्ट साइकिल थी एंड नाइट्रोजन साइकिल भी एक परफेक्ट साइकिल है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन जो होती है वो साइक्लिक मैनर के अंदर वो रोटेशन में रहती है, या फिर हम बोल सकते हैं मूवमेंट में रहती है। तो ये कैसी है, एक परफेक्ट साइकिल है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर चार स्टेप होती है।
चार स्टेप में अगर हम बात करें, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, अमोनिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है। तो ये चार स्टेप को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर हम इसको साइकिल के अंदर देखें कि स्टेप कैसे चल रहे हैं, तो सबसे पहले फिक्सेशन होगा, तो ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होगी, ये फिक्स होगी। फिक्स कैसे हो सकती है, ये फिक्स होगी इन रूट नोड्यूल्स के अंदर, जो प्लांट्स के लेग्यूनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, लेग्यूनस प्लांट्स होते हैं, उनके रूट नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। इसके अलावा जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सोइल बैक्टीरिया है, ये भी इसको फिक्स करेंगे। एंड इसके बाद सेकंड स्टेप में इसका अमोनिफिकेशन होगा। अमोनिफिकेशन के बाद ये अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अमोनियम आयन से अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसका नाइट्रिफिकेशन करेंगे थर्ड स्टेप, एंड इसको नाइट्राइड्स, एंड फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। नाइट्राइड्स में होगी पहले, देन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होगी। अब ये जो नाइट्रेट्स है, इनकी एसिमिलेशन होगी, प्लांट्स इनकी एसिमिलेशन करेंगे। अब प्लांट एसिमिलेशन जब करेंगे, अगर इन प्लांट्स का डेथ हो जाता है, तो डिकम्पोजर्स के पास चले जाएंगे, एंड डिकम्पोजर्स के पास जाने के बाद ये अगेन अमोनियम आयन फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, या तो ये प्लांट्स के ऊपर कौन कर लेगा, कंज्यूमर्स ईट कर लेंगे, एंड ये कंज्यूमर्स जब इनकी डेथ या फिर डिके होगा, तो अगेन क्या हो जाएगी, ये डिकम्पोजर्स के पास चले जाएंगे, तो ये अगेन क्या बना लेंगे, अमोनियम आयन बना लेंगे। या तो जो 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 नाइट्रोजन है, ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो लाइटिंग के थ्रू, ठीक है, जब लाइटिंग होती है तो लाइटिंग के थ्रू भी, जब बिजली कड़कती है, वो जो बिजली कड़कती है यानी लाइटिंग होती है, उसके थ्रू भी कुछ अमाउंट या फिर कुछ जो अमाउंट है नाइट्रोजन का, वो फिक्स किया जाता है। एंड ये नाइट्रोजन को फिक्स करके ये क्या कर दिया जाता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड ये नाइट्रेट्स के अंदर जो डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, यानी डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको अगेन इसको नाइट्रोजन की फॉर्म में एटमोस्फियर के अंदर रिलीज कर देंगे। तो इस वे में ये साइकिल चलती है इन चारों स्टेप्स के अंदर। ठीक है, आउटलाइन हमने देख ली है, पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, या तो उसको प्लांट्स के अंदर या फिर जो बैक्टीरिया होंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे, वो फिक्स करेंगे, या तो लाइटिंग के थ्रू फिक्स हो सकती है। फिर इसको इसका अमोनिफिकेशन होगा, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगी, अमोनियम आयन से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन करके इसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्राइट्स से नाइट्रेट्स में हो जाएगी, फिर नाइट्रेट्स को प्लांट्स यूज कर लेंगे, उन प्लांट्स के ऊपर कंज्यूमर्स भी ईट कर सकते हैं, या तो उन प्लांट्स की भी डेथ हो सकती है, या तो उन कंज्यूमर्स की भी डेथ हो सकती है। तो ये सारे डिकम्पोजर्स के पास आ जाएंगे, डिकम्पोजिशन होने के बाद ये अमोनियम आयन फॉर्म देंगे। इसके अलावा जो लाइटिंग से फिक्स होगी नाइट्रोजन, वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में होगी, तो नाइट्रेट्स की फॉर्म में या तो ये प्लांट्स एसिमिलेट कर लेंगे, या तो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया क्या कर देंगे, इसको वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि नाइट्रोजन साइकिल के अंदर चलते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट स्टेप की, नाइट्रोजन फिक्सेशन की, कि कैसे नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है, ये तीन स्टेप्स के अंदर होती है। या तो एटमॉस्फेरिक यानी कि ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, या तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, या तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। अब ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये लिविंग थिंग्स के थ्रू होगा, ठीक है, लिविंग बींग्स के थ्रू होगा, या फिर तो ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, प्री लिविंग एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, या तो ये लूज एसोसिएशन हो सकता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। तो इस वे में ये आउटलाइन है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर के थ्रू हो सकता है, बायोलॉजिकल के थ्रू हो सकता है, या तो इंडस्ट्रियल के थ्रू हो सकता है। अगर ये बायोलॉजिकल के थ्रू होता है, तो सिम्बायोटिक, ए सिम्बायोटिक या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू ये हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें एटमॉस्फेयर या फिर ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, जब बाई फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, जो फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती है, ऑक्सीजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगी, एंड ये कंबाइन करके यहाँ पे क्या बना रही है, नाइट्रस ऑक्साइड बना रही है, एंड ये फॉर्म कर देती है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड्स फॉर्म कर देगी। नाउ दे गेट डिसॉल्वड इन वाटर, ये जो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड बना था, ये अगेन क्या करेगा, या तो ये अगेन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ये 2NO2 बना लेगा। ठीक है, ये क्या बना लेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बना लेगा, या तो ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड वाटर के अंदर डिजोल्व होके, वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद ये नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर देगी।
एंड ये जो यहाँ पे 3NO2 बना था, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जो नाइट्रस जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिजोल्व होके यहाँ पे 2HNO3 बना सकता है, यानी कि नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस ऑक्साइड बना सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगी एंड नाइट्रस एसिड बना लेंगे। ठीक है, ये नाइट्रस एसिड बना लेंगे एंड नाइट्रिक एसिड ये बना देंगे, विच कंबाइन विद अदर साल्ट टू प्रोड्यूस नाइट्रेट्स, एंड ये दूसरे साल्ट के साथ कंबाइन करके नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करेंगे। वो नाइट्रेट्स क्या कर जाए कर किए जाएंगे, वो एसिमिलेट किए जाएंगे। ठीक है, तो एटमोस्फेरिकली या फिर ए बायोलॉजिकली नाइट्रोजन इस वे में फिक्स होती है, फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू होगी। ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन भी एटमोसफेयर में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी एटमोसफेयर में प्रेजेंट है, तो वो दोनों जब कंबाइन कर जाती है तो क्या हो जाते हैं, ऑक्साइड्स बन जाते हैं नाइट्रोजन के। ये ऑक्साइड्स वाटर के अंदर डिजोल्व होकर नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, एंड फिर ये अदर साल्ट के साथ कंबाइन करके ये नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड मेथड आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या होगा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन लिविंग थिंग्स के थ्रू होगी, यानी बैक्टीरिया के थ्रू होगी या फिर प्लांट्स के थ्रू होगी। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स के अंदर ही कन्वर्ट करनी है बाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू द नाइट्रेट्स बाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। अबाउट 140 to 170 mg ऑफ नाइट्रोजन पर मीटर स्क्वेयर पर ईयर इज फिक्स्ड बाई ऑल एजेंसीज, यानी कि चाहे वो इंडस्ट्रियल है, चाहे वो ए बायोलॉजिकल है, चाहे वो बायोलॉजिकल है, इन सभी एजेंसीज के थ्रू ये क्या की जाती है, 140 to 170 ऑफ मिलीग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर मीटर स्क्वेयर पर ईयर फिक्स की जाती है, आउट ऑफ विच नॉट मोर देन 35 mg ऑफ नाइट्रोजन पर मीटर स्क्वेयर पर ईयर इज फिक्स्ड बाई फिजिकल मैथड। इनमें से 35 mg जो है, ठीक है, मोर देन 35 mg ऑफ नाइट्रोजन जो है वो फिजिकल मेथड से फिक्स की जाती है। दिस शोज दैट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज वेरी एफिशिएंट। ये कैसी है, बहुत ही एक एफिशिएंट मेथड होता है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट है यहाँ पे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक, एंड सेकेंड है यहाँ पे फ्री लिविंग या फिर ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, थर्ड है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का लूज एसोसिएशन। तो इन तीन मेथड्स के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है बाय बायोलॉजिकल सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या होगा, इट इज ब्रॉट अबाउट अबाउट बाय सर्टेन बैक्टीरिया। ठीक है, ये कुछ बैक्टीरिया के थ्रू की जाती है, बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम लेग्यूमिनेसर, बेसिलस रेडिकोला इसको बोलते हैं, रेडिसिकोला बोलते हैं इसको, इन द रूट नेड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। जैसे लेग्यूम हो गए, लेग्यूम्स की ये रूट नोड्यूल्स है, इनके अंदर ये कुछ ऐसे टाइप के यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, एंड ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म के अंदर फिक्स करेंगे। फ्रैंकिया हो गया एक्टिनोमाइसीट्स से, इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ एलनस एंड कैजुरिना, इनके अंदर भी फिक्स की जाती है, या फिर क्लेबसीला हो गया लीफ ऑफ डायोस्कोरिया, ठीक है, इसके अंदर फिक्स की जाती है, राइजोबियम सेस्वेनिया, स्टेम नोड्यूल्स ऑफ एस्किनोमीन, एस्किनोमीन क्या है, एक फैबिसी फैमिली का फ्लावरिंग प्लांट ही होता है, नोस्टोक एंड एनिबिना, नोस्टोक एंड एनिबिना क्या है, साइनो बैक्टीरिया है, ये कैरलोइड रूट जो होती है साइकस की, ठीक है, साइकस की कैरलोइड रूट के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, या फिर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ही होते हैं, इनके अंदर हेट्रोसिस्ट नाम की सेल होती है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, एंड ये कैरलोइड रूट्स जो होती है साइकस के, उनके अंदर एज एंडोफिटिक एक तरह से प्लांट्स की तरह रहते हैं। एनाबीना एज इज एन एंडोफिटिक इन द लीफ ऑफ एजोला, एजोला के लीफ के ऊपर भी एनाबीना क्या होता है, एंडोफिटिक होता है। तो ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जो कि सिम्बायसिस के अंदर होता है, एंड नोस्टोक जो है एंथोसिरोस के थैलस के अंदर है। ये डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया एल्गी हो गई जो क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम डिस्कस करेंगे कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है,
तो यहाँ पे जैसे कि राइजोबिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, नॉन स्पोरस होता है, एरोबिक बैसिली बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैसिलस बैक्टीरिया है, नॉन स्पोरस एंड ग्राम नेगेटिव। अब इस राइजोबिया के अंदर क्या होता है, ये जो राइजोबिया है ये स्पीसीज स्पेसिफिक सिम्बायोस्टिक रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है, स्पीसीज स्पेसिफिक सिम्बायसिस रिलेशनशिप शो करता है ये विद द मेंबर्स ऑफ लेग्यूनेसिया, यानी जो मेंबर्स हैं लेग्यूनेस प्लांट्स हैं उनके साथ ये एक स्पीसीज स्पेसिफिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। जैसे कि राइजोबिया की कुछ स्पीसीज हो गई, जैसे कि राइजोबिया मेलिटोइटी हो गया जो कि अल्फा अल्फा ग्रुप के अंदर होता है, राइजोबिया ट्राइफोली हो गया क्लोवर ग्रुप के अंदर होता है, राइजोबिया लेग्यूमिनोसेरम हो गया जो कि पी ग्रुप के अंदर होता है, एंड राइजोबिया फेसियोली हो गया जो कि बीन ग्रुप्स के अंदर होता है, राइजोबियम जपैनिकम हो गया जो कि सोयाबीन ग्रुप के अंदर। तो ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम स्पीसीज है अलग अलग, ये अलग अलग लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर अपना स्पीसीज स्पेसिफिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है। इसके अलावा ये जो एक यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है स्पीसीज स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है स्पीसीज स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है, तो इस स्पीसीज स्पेसिफिक रिलेशनशिप की वजह से यहाँ पे कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट किए जाते हैं, एंड ये केमिकल सब्सटेंस क्या करते हैं, इसको बोला जाता है फाइटोएग्लुटिनिन्स। फाइटोएग्लुटिनिन्स क्या है, लेसिथिन्स है, जिनको रिकॉग्निशन केमिकल सब्सटेंसेस बिटवीन टू सिम्बायंट्स, एक बैक्टीरिया हो गया एक प्लांट हो गया लेग्यूमिनस प्लांट हो गया, ठीक है, ये दोनों क्या है सिम्बायंट्स है, तो इन दोनों सिम्बायंट्स के बीच में जो केमिकल रिकॉग्निशन है जिसकी वजह से ये स्पीसीज स्पेसिफिक सिम्बायटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, उसको ये उसके लिए क्या होगा, इसको उसकी तरह कंसीडर किया जाता है या फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फाइटोएग्लुटिनिन्स। अब ये जो राइजोबिया है फिर राइजोबियम है, इसके अंदर क्या होता है, राइजोबिया के अंदर एक यहाँ पे एक जीन होता है, इस जीन को बोला जाता है निफ जीन, एंड ये निफ जीन क्या करता है, इसके पास कंट्रोल होता है एक एंजाइम सिंथेसाइज करने का, एंड इस एंजाइम को बोला जाता है नाइट्रोजिनेज, एंड ये जो राइजोबियम प्लांट्स हैं ये क्या कर देते हैं, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स फॉर्म कर देते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स फॉर्म कर देंगे, एंड इन रूट नोड्यूल्स के अंदर अब यहाँ पे एक पिगमेंट होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, रेड कलर पिगमेंट होता है यहाँ पे, एंड इस पिगमेंट को बोला जाता है LHB यानी कि लैग हीमोग्लोबिन, इस पिगमेंट को लैग हीमोग्लोबिन बोला जाता है, एंड ये लैग हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये होता है ऑक्सीजन स्क्वेंजर होता है, यानी कि ऑक्सीजन को खाई जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम कर देगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा ड्यू टू दिस लैग हीमोग्लोबिन, ठीक है, लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्क्वेंजर की तरह एक्ट करता है जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो लो हो जाएगा, एंड इस ऑक्सीजन के लेवल के लो होने की वजह से यहाँ पे एक एंजाइम जिसको नाइट्रोजिनेज बोलते हैं, जिसको निफ जीन कंट्रोल करके रखता है, वो एक्टिव हो जाएगा। नाइट्रोजिनेज एक्टिव होने के बाद ये क्या करेगा, अब ये जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, नाइट्रोजन जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है जो यूजेबल नहीं थी उसको ये अमोनिया के अंदर फिक्स कर देगा या फिर अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देगा ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम। एंड ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम किस वजह से एक्टिव हुआ है, ये एक्टिव होता है ऑक्सीजन के लो लेवल की वजह से, ऑक्सीजन का लो लेवल लैग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, एंड ये लैग हीमोग्लोबिन रूट नोड्यूल्स के अंदर पाया जाता है, एंड ये रूट नोड्यूल्स राइजोबिया बनाता है। तो ये होता है यहाँ पे राइजोबियम के अंदर, अगर हम इसको थियोरटिकल देखें, अब इट इज बिलीव दैट राइजोबियम हैज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन जिसको निफ जीन बोला जाता है विच कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजिनेज, एंड ये क्या करता है नाइट्रोजिनेज का जो सिंथेसिस है उसको कंट्रोल करके रखता है। दिस बैक्टीरिया फॉर्म द नोड्यूल्स ऑन द सेकेंडरी रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो लेग्यूमिनस होंगे या फिर लेग्यूमिनस प्लांट होंगे ये बैक्टीरिया यानी राइजोबिया क्या करेंगे उनके अंदर नोड्यूल्स बना देंगे, उनकी सेकेंडरी रूट्स के अंदर, रूट्स जैसे कि यहाँ से निकली है
प्राइमरी होगी, फिर ब्रांचेस होगी, सेकेंडरी होगी, और ज्यादा ब्रांचेस होगी टर्सरी होगी। तो सेकेंडरी रूट्स के अंदर ये नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं। द नोड्यूल्स कंटेन अ रेड कलर्ड पिगमेंट जिसको बोला जाता है लेग हीमोग्लोबिन, जिसको LHB से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लेग हीमोग्लोबिन एक्ट करता है ऑक्सीजन स्क्वेंजर की तरह, कीप्स द लेवल ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन लो इनसाइड द नोड्यूल्स। नोड्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल लो रखेगा, विच एक्टिवेट्स द एंजाइम नाइट्रोजनेस विच रिड्यूस्ड नाइट्रोजन टू अमोनिया। एंड ये क्या कर देता है, नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर रिड्यूस कर देता है। तो ये राइजोबियम के अंदर इस वे में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसके बाद सेकंड टाइप यहाँ पे आता है फ्री लिविंग या फिर ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, पहला सिम्बायोटिक हो गया, सिम्बायसिस के थ्रू होता है। सेकंड फ्री लिविंग ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या होगा, दीज आर प्रिमिटिव नाइट्रोजन फिक्सर। ये कैसे होते हैं, प्रिमिटिव नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, फिक्स द नाइट्रोजन एज अमोनिया एक्टिवली अंडर पुअर एरेशन बाय द रिडक्शनल प्रोसेस। ये फिक्स नाइट्रोजन को कैसे फिक्स किया जाता है, अमोनिया के अंदर पुअर एरिएशन होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एयर की सप्लाई पुअर होती है बाय द रिडक्शनल प्रोसेसेस, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शनल प्रोसेसेस चलती रहती है जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, अमोनिया के अंदर फिक्स हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे हमने सिम्बायोटिक के केस में देखा था, वहां पे क्या हुआ था, लो ऑक्सीजन का लेवल लो हो गया था जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिव हुआ था। यानी कि वहां पे जो प्रोसेसेस हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वहां पे रिडक्शनल प्रोसेसेस चलती है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया एज अमोनिया के अंदर फिक्स कर देते हैं, क्योंकि वहां पे पुअर एरिएशन होती है बाय रिडक्शनल प्रोसेसेस। ऑसिलेटोरिया के अंदर यानी ब्लू ग्रीन एल्गा के अंदर अकाउंट्स 1/4 ऑफ द नाइट्रोजन इनपुट टू द वर्ल्ड ओशन। ठीक है, ये क्या करता है, 1/4 ऑफ द नाइट्रोजन इनपुट जो होता है यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। इसके अंदर क्या क्या आएंगे, इसके अंदर ऑब्लिगेटरी एरोब्स आ सकते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेटरी एरोब्स जिनको एसिटोबैक्टर बोला जाता है, या फिर इसके अंदर एग्जाम्पल आ गया बेजिंजरिन का। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए ऑब्लिगेटरी एरोब्स के। फैकल्टेटिव एरोब्स हो सकते हैं जैसे कि इसर्सिया हो गया, बेसिलस हो गया, एंटेरोबैक्टर हो गया, या फिर क्लैसिबिला। इसके अलावा एनारोबिक हो सकते हैं जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम हो गया, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं जैसे कि क्रोमेटियम हो गया, रोडोस्पाइरुलम हो गया, जिनको पर्पल बैक्टीरिया बोला जाता है। तो ये सभी क्या है यहाँ पे, फ्री लिविंग या फिर एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें लूज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये कैसे होता है, जो थर्ड मेथड है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो लूज एसोसिएशन जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये होता है कुछ जैसे कि एग्जांपल है एजो स्पाइरुलम लिपोफेरम के विद रूट्स ऑफ डिजिटेरिया सोर्गम जीमेज। ठीक है, इनके थ्रू ये क्या होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, लूज एसोसिएशन करते हैं रूट्स के अंदर एंड नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। तो इस वे में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, सिम्बायोटिक, एसिम्बायोटिक एंड लूज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू। यहाँ पे अगर हम ओवरऑल नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के स्टेप्स देखें, ठीक है, हमने देख लिया कि नाइट्रोजन फिक्स होती है अमोनिया के अंदर। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम स्टेप्स की बात करें, नाइट्रोजन पहले स्प्लिट होती है 2N के अंदर। इसके बाद ये जो 2N है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके रिडक्शन शो करता है, रिड्यूस होता है अमोनिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर ऐसे रिड्यूस होती है। अब ये जो स्प्लिटिंग एंड रिडक्शन होता है, इसके अंदर यहाँ पे डेल्टा जी नोट जो है ये होता है +60 kcal एंड डेल्टा जी नोट यहाँ पे रिडक्शन के अंदर क्या हो जाता है -13 kcal। प्लस साइन है यानी कि ये एक कैसी रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसके अंदर ये एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा। एंड अगर नेगेटिव साइन है तो यानी कि यहाँ पे एनर्जी जो है ये क्या होगी, रिलीज होगी, यहाँ से एनर्जी ये रिलीज होगी। तो ओवरऑल इनपुट अगर हम देखें इससे, ओवरऑल इनपुट इसमें से ये हो जाएगा, नेट एनर्जी इनपुट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज 147 kcal/mol। ठीक है, 147 kcal/mol ये अमाउंट हो जाएगी। तो ये हो गया यहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि इंडस्ट्रियली फोटोकेमिकली इलेक्ट्रोकेमिकली या फिर हम बोल सकते हैं लाइटिंग के थ्रू एनर्जी जो है फिक्स की जाती है, नाइट्रोजन जो है फिक्स की जाती है। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंस टू फॉर्म अमोनिया इंडस्ट्रियली।
नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन हमने देखा था ये बायोलॉजिकली भी कंबाइन करते हैं एंड यहाँ पे इंडस्ट्रियली भी ये कंबाइन करते हैं एंड अमोनिया फॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होती है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर अबाउट 200 एटमोसफियर। ठीक है, इतना हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के अंडर ही इंडस्ट्रियली जो नाइट्रोजन है ये फिक्स होती है। It has been estimated that electrochemical and photochemical fixation result in an average amount of nitrate of 7.6 into 10 raised to power 6 metric tons per year, while biological nitrogen fixation is estimated as at 54 into 10 raised to power 6 metric tons per year. ठीक है, ये अलग अलग अमाउंट है इंडस्ट्रियली एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। इसके बाद फिक्सेशन के बाद की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टेप आता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के अंदर अब क्या होगा, अमोनिफिकेशन के अंदर डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड प्लांट्स देखा था हमने, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो प्रोटीन्स है या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट एनिमल्स का लाइक यूरिया यूरिक एसिड्स, ये सब क्या हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, ये अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो भी प्रोटीन्स हैं डेड प्लांट्स के, डेड एनिमल्स के या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ये सभी अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया एंड इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन बोलते हैं। एंड इन अमोनिफाइंग बैक्टीरिया को बैक्टीरिया ऑफ डीके और प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी बोला जाता है। इन बैक्टीरिया में अगर हम कुछ बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखें, जैसे कि बैसिलस रेमोसस, बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस माइकोइडस एंड सम अमोनिफाइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, जैसे कि ये क्या करते हैं यूजिंग यूरिया बट नॉट यूरिक एसिड। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी के अंदर क्या होगा, ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होंगे, ये एक एक सबस्ट्रेट के लिए उसी को यूज करेंगे, अब यूरिया को यूज कर लेंगे लेकिन ये यूरिक एसिड को यूज नहीं करेंगे, इस टाइप की स्पेसिफिसिटी इनके अंदर देखने को मिलती है। एंजाइम स्पेसिफिसिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर वो कंसेप्ट देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन होती है प्रोटीन्स की, डेड एनिमल्स के, डेड प्लांट्स के प्रोटीन्स की, नाइट्रोजनस वेस्ट की टू द अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, जिनको बैक्टीरिया ऑफ डीके भी बोला जाता है, तो ये क्या करेंगे, इसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। बट सम स्पीसीज यूज अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सोर्सेज, कुछ जो है सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होती है, कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के वैरायटी ऑफ सोर्स यूज कर सकती है। एंड ये जो प्रोसेस है ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एंड ये कैसी प्रोसेस हो गई, इसलिए एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये कैसी होगी, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, यहाँ पे प्रोटीन्स थे, प्रोटीन्स अमीनो एसिड के अंदर टूटे, अमीनो एसिड अमोनिया के अंदर। अब ये क्या है कि अमीनो एसिड है, इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके ये अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी के अंदर ब्रेक हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई है ये -176 किलो कैलोरीज पर मोल हुई है, ये गिव्स फ्री एनर्जी है यहाँ पे, डेल्टा जी नोट -176 किलो कैलोरीज। तो ये कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अगर हम इसको साइकिल के अंदर इसके स्टेप्स देखें, तो यहाँ तक हमने देख लिया था कि ये नाइट्रोजन फिक्स हो चुकी है। अमोनिफिकेशन के अंदर क्या होगा, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स है जो डेड होगा उनका डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन होने के बाद अमोनियम आयन के अंदर या फिर अमोनिया के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड यहाँ से भी ये अमोनिफिकेशन होगा तो ये अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होगा नाइट्रिफिकेशन। तो थर्ड स्टेप है यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट्स थ्रू नाइट्राइट्स। हमने अभी तक देखा था जो नाइट्रोजन थी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, वो अमोनिया के अंदर या फिर अमोनियम आयन के अंदर रिड्यूस की गई। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये अमोनियम है या फिर ये जो अमोनिया है, अमोनियम आयन है, ये नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट किए जाएंगे, नाइट्राइट्स से ये नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट किए जाएंगे। एंड नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स जो है या तो ये सिमुलेट हो जाएंगे या फिर डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया की हेल्प से अगेन क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। तो ये साइकिल चलती रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट्स थ्रू नाइट्राइट्स इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया।
ठीक है, यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर हो गया, या फिर नाइट्रोसिस्टिस हो गया, नाइट्रोकोकस हो गया, ये सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे होगा क्या, अमोनिया था ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस इनकी प्रेजेंस में 2NO हाइड्रोजन आयन एंड वाटर के अंदर ये टूट गया। एंड यहाँ पे ये एक इसने जो है प्लस 65 किलो कैलोरीज एनर्जी ली है। इसके बाद ये जो यहाँ पे बना था, ये यहाँ पे जो नाइट्राइट बना था, ठीक है, यहाँ पे नाइट्राइट बन गया अमोनिया से, ये जो नाइट्राइट बना था अब वो नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होगा ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस की हेल्प से। तो ये किसके अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड साथ में यहाँ पे प्लस 70 किलो कैलोरीज एनर्जी। तो ये नाइट्रिफिकेशन की जो स्टेप है ये होता है। यहाँ साइकिल के अंदर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे अमोनिफिकेशन हुआ नाइट्रिफिकेशन के अंदर, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पहले नाइट्राइट्स के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे, देन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट्स के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रिफिकेशन होता है। एंड ये नाइट्रिफिकेशन जो होता है ये एक पीएच डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। तो जब एसिडिक कंडीशन होती है, पीएच अगर लो होगा तो ये प्रोसेस जो है ये स्लो हो जाती है। दिस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर आल्सो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। एंड ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। तो ये नाइट्रीफिकेशन का स्टेप हो गया थर्ड। इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है यहाँ पे डीनाइट्रीफिकेशन। डीनाइट्रीफिकेशन के अंदर क्या होगा, अगेन जो यहाँ पे अब तक हमने देख लिया था कि नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बन गए हैं, तो जो भी नाइट्रेट्स बने हैं वो अगेन मॉलिकुलर ऑक्सीजन के अंदर एटमोसफेयर के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच अमोनियम कंपाउंड, या तो अमोनियम कंपाउंड है, नाइट्रेट्स है, नाइट्राइड्स है, ये रिड्यूस कर दिए जाएंगे अगेन मॉलिकुलर नाइट्रोजन के इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे, उन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ये जो अमोनियम कंपाउंड थे, नाइट्रेट्स थे, नाइट्राइड्स थे, वो सभी क्या हो जाएंगे, मॉलिकुलर नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। एंड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें, थायोबैसिलस डीनाइट्रीफिकेंस हो गया, बैसिलस सबटिलिस हो गया, माइक्रोकोकस डीनाइट्रीफिकेंस डीनाइट्रीफिकेंस, सूडोमोनास स्टूडजेरी हो, ये सब एग्जाम्पल है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यूज होते हैं, जो अमोनियम कंपाउंड को, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स को मोलिकुलर नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सो इट रिड्यूस द सोइल फर्टिलिटी। अब जब नाइट्रोजन फिक्स हुई थी, जब नाइट्रोजन फिक्स होती है तो सोइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन जब नाइट्रोजन अब वापस जा रही है, अब ये जो डीनाइट्रिफिकेशन होता है इसके अंदर जो भी नाइट्रेट्स थे वो क्या कर रहे हैं, वो वापस जा रहे हैं, वापस वो मॉलिकुलर ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट होकर वापस जा रहे हैं, तो इसके अंदर जो सोइल फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। अब ये जो है सोइल फर्टिलिटी या फिर ये डीनाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस है ये स्टिमुलेट की जाती है बाई वाटर लॉसिंग। वाटर लॉस हो गया वहाँ पे, पुअर ड्रेनेज है, एरिएशन की लैकिंग है, या फिर ऑर्गेनिक मैटर का वहाँ पे अक्यूमुलेशन हो गया, इस वजह से डीनाइट्रिफिकेशन हो गई। यहाँ पे स्टेप्स की अगर हम बात करें, हमने देख लिया था कि नाइट्रेट्स बन गए थे, तो ये नाइट्राइट हुआ, ठीक है, नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हुआ। इसके बाद ये जो नाइट्राइट था यहाँ पे, ये नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड जो है नाइट्रिक एसिड के अंदर, ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वही स्टेप है जो स्टार्टिंग में मोलिकुलर ऑक्सीजन फिक्स हुई थी एंड ये तब हुए थे, ठीक है, तब क्या थे ये, यहाँ से ऐसे थे स्टेप्स, अब क्या हो गए, ये उल्टे हो गए हैं, इनके अंदर ये जो नाइट्रेट था ये मोलिकुलर नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो ये होता है डीनाइट्रिफिकेशन। अगर हम इसको साइकिल के अंदर देखें इस स्टेप को, तो यहाँ तक हमने देख लिया था कि नाइट्राइट्स बन गए थे, चाहे वो अमोनियम कंपाउंड हो, नाइट्राइट्स हो, या फिर नाइट्रेट्स हो, सभी ये बन गए थे। अब इसके अंदर क्या होगा, ये डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से अगेन क्या हो जाएंगे, एटमोसफियर के अंदर रिलीज हो जाएंगे। तो ये फोर्थ स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रस ऑक्साइड अकर्स इन एरोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन। ये जो डीनाइट्रिफिकेशन है नाइट्रेट का नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर, ये एनारोबिक कंडीशन के अंदर होता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की प्रेजेंस में भी होता है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड ये यील्ड करती है 545 किलो कैलोरीज पर मोल।
एंड जो डीनाइट्रिफिकेशन है नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन की फॉर्म में, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्म में, यहाँ पे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन की फॉर्म में, तो ये यील्ड करती है 570 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, तो ये जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, इसके बाद अगर हम देखें ओवरऑल स्टेप्स क्या होंगे यहाँ पे साइकिल के, सबसे पहले एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हुई थी, फिक्स होने के बाद अमोनिफिकेशन हुआ। अमोनिफिकेशन के अंदर यहाँ पे प्लांट्स, डेड प्लांट्स से, एनिमल से भी डिकम्पोजिशन होके अमोनियम आयंस बन गए। इसके बाद नाइट्रिफिकेशन हुआ, नाइट्रिफिकेशन के अंदर नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हुए नाइट्रेट्स एंड ये, फिर नाइट्रेट्स से क्या हुआ, डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, फिर डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से यहाँ पे अगेन मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के अंदर ये चला गया। तो ये साइकिल मैटर साइक्लिक मैनर के अंदर मूव करता रहता है, इसलिए ये क्या है, एक परफेक्ट साइकिल है। तो यहां तक हमने डिस्कस कर ली है नाइट्रोजन साइकिल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो और साइकिल है, जैसे कि वाटर साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, सल्फर एंड फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।